और छतरपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। दरअसल थाने पर पथराव के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। मुस्लिम आबादी वाले इलाके से पुलिस ने ये मार्च निकाला। भारी पुलिस बल के साथ एडीएम, एसडीएम और एएसपी पैदल निकले। सभी मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल आज जुमे का दिन है और इसी के चलते ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। सभी मस्जिदों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला है। तो जो एफआईआर की मांग को लेकर छतरपुर में पथराव किया गया था, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे, उसके बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया और अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं पुलिस के आला अधिकारी। और ये देखिए फ्लैग मार्च निकालते हुए छतरपुर में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को जांचने के लिए, परखने के लिए तमाम आला अधिकारी पैदल मार्च पर निकले। फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहां पर एसडीएम, एडीएम, एडिशनल एसपी ड्रोन ऑपरेटेड सिस्टम यहां लागू है और अगर उत्पन्न ना हो सके तो ये सभी एरियाज में जा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। एसडीएम, एडीएम, एडिशनल एसपी। फ्लैग मार्च करते हुए और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणधीर परमार जुड़ रहे हैं। रणधीर, मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से पुलिस ने मार्च निकाला है, जाहिर सी बात है जुमे का दिन है और कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे, कहीं पर भी स्थिति बिगड़ने ना पाए, इसको लेकर पुलिस मुस्तैद है, बताइए क्या हालात है इस वक्त? देखिए बिल्कुल पवन, अगर हम बात करें, आज शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, इन सब चीजों को देखकर मस्जिदों में नमाज को लेकर काफी भीड़ एकत्रित होती है। इन सब चीजों को देखकर पुलिस प्रशासन ने तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस की व्यवस्थाएं लगाई थी, पुलिस लगी हुई थी और इन तमाम चीजों को देखते हुए कि कहीं कोई स्थिति गड़बड़ ना हो, शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी जाए। और जैसा कि दो दिन से छतरपुर में जो हालात हैं उन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने हर मस्जिद के बाहर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन को लगाया था कि लोग शांति से आए, नमाज पढ़ें और शांति से अपने घर की ओर चले जाएं, कोई भी माहौल खराब ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस ने हर मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया था। इसके अलावा पूरी जगह पे घनी बस्तियों में फ्लैग मार्च किया गया जिसमें एडीएम, एसडीएम और एडिशनल एसपी जैसे तमाम लोग और पुलिस प्रशासन मौजूद था। और फ्लैग मार्च करते हुए जितनी देर वो नमाज चली उतनी देर तक फ्लैग मार्च हुआ, हर जगह फ्लैग मार्च पहुंचा और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई छतरपुर में। पवन चलिए बहुत शुक्रिया रणधीर आपका, आप हालातों पर नजर बनाए रखिएगा।